आज विश्व के अंदर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हर क्षेत्र में चिंता और चर्चा का विषय रहता है। भारत ने उस दिशा में काफी कदम उठाए हैं। हम विश्व को आश्वस्त करते रहे हैं और शब्दों से नहीं अपने कार्यों से प्राप्त परिणामों से हमने विश्व को आश्वस्त भी किया है और विश्व को आश्चर्यचकित भी किया है। हम ही हैं जिन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है, हमने रिन्यूएबल एनर्जी पर विस्तार किया है, हमने रिन्यूएबल एनर्जी को एक नई ताकत दी है। आने वाले कुछ वर्षों में हम नेट जीरो फ्यूचर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे याद है पेरिस अकॉर्ड में जिन देशों ने अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे, आज मैं लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों की ताकत दुनिया को बताना चाहता हूं। G20 देश के समूह जो नहीं कर पाए वो मेरे देश के नागरिकों ने करके दिखाया, मेरे देशवासियों ने करके दिखाया है, हिंदुस्तान ने करके दिखाया है। पेरिस अकॉर्ड के अंदर जो टारगेट हमने तय किए थे उन टारगेट को समय से पहले पूरा करने वाला G20 देशों के समूह में अगर कोई है तो एकमात्र मेरा हिंदुस्तान है, एकमात्र मेरा भारत है। और इसलिए गर्व होता है साथियों, रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट हमने पूरे किए, हम 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 500 गीगावाट तक ले जाने के लिए मकसद से काम किया। कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा लक्ष्य है। दुनिया के लोग सिर्फ 500 गीगावाट शब्द सुनते हैं ना तो मेरी तरफ ऐसे ऐसे देखते हैं, लेकिन आज मैं विश्वास से कह रहा हूं देशवासियों को, इस लक्ष्य को भी हम पूरा करके रहेंगे और ये मानव जाति की भी सेवा करेगा, हमारे भविष्य की भी सेवा करेगा, हमारे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की गारंटी बनेगा। आज विश्व के अंदर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हर क्षेत्र में चिंता और चर्चा का विषय रहता है। भारत ने उस दिशा में काफी कदम उठाए हैं। हम विश्व को आश्वस्त करते रहे हैं और शब्दों से नहीं अपने कार्यों से प्राप्त परिणामों से हमने विश्व को आश्वस्त भी किया है और विश्व को आश्चर्यचकित भी किया है। हम ही हैं जिन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है, हमने रिन्यूएबल एनर्जी पर विस्तार किया है, हमने रिन्यूएबल एनर्जी को एक नई ताकत दी है। आने वाले कुछ वर्षों में हम नेट जीरो फ्यूचर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे याद है पेरिस अकॉर्ड में जिन देशों ने अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे, आज मैं लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों की ताकत दुनिया को बताना चाहता हूं। G20 देश के समूह जो नहीं कर पाए वो मेरे देश के नागरिकों ने करके दिखाया है, मेरे देशवासियों ने करके दिखाया है, हिंदुस्तान ने करके दिखाया है। पेरिस अकॉर्ड के अंदर जो टारगेट हमने तय किए थे उन टारगेट को समय से पहले पूरा करने वाला G20 देशों के समूह में अगर कोई है तो एकमात्र मेरा हिंदुस्तान है, एकमात्र मेरा भारत है। और इसलिए गर्व होता है साथियों, रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट हमने पूरे किए, हम 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 500 गीगावाट तक ले जाने के लिए मकसद से काम किया। कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा लक्ष्य है। दुनिया के लोग सिर्फ 500 गीगावाट शब्द सुनते हैं ना तो मेरी तरफ ऐसे ऐसे देखते हैं, लेकिन आज मैं विश्वास से कह रहा हूं देशवासियों को, इस लक्ष्य को भी हम पूरा करके रहेंगे और ये मानव जाति की भी सेवा करेगा, हमारे भविष्य की भी सेवा करेगा, हमारे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की गारंटी बनेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।